नमस्कार। मुंबई के थाने में 41 साल के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपित मृतक की पत्नी को फोन करके परेशान करता था। आगे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पीड़ित ने उसे इस मामले पर बात करने के लिए बुलाया था, जहां आरोपित ने व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मामला वकालत थाना क्षेत्र का है। यहां रंबोली के रहने वाले परवेज बशीर शेख की पड़ोसी सैयद अकील ने हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सैयद अकील मृतक की पत्नी को कॉलेज के दिनों से जानता था। पुलिस का कहना है कि वह महिला को फोन कर परेशान करता था। जब इस बात की जानकारी बशीर शेख को हुई तो उसने आरोपित का विरोध किया, साथ ही उससे ऐसा न करने को कहा। इसके बावजूद आरोपित महिला को फोन कर प्रताड़ित करता रहा। महिला की शिकायत पर बशीर शेख ने आरोपित से बात और मामले पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिलने को कहा। कल शुक्रवार को जब परवेज बशीर शेख आरोपित से मिलने उसके मोहल्ले पहुंचा तो वहां दोनों के बीच विवाद हो गया। इस अकील ने धारदार हथियार से हमला कर परवेज को गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों ने परवेज को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान परवेज की मौत हो गई। वहीं आरोपित अकील को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इस तरह का हरकतें करना बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र थाने की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।